एक दिन का कहकर गई थी, पूरे 3 दिन के बाद आई हो। उदास हो गए थे आप मेरे बगैर। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता हूँ नगीना। 3 दिन मैंने कैसे काटे तुम्हें देखे बगैर, ये मैं ही जानता हूँ। इंतजार का भी अपना ही मजा है। मुझसे नहीं होता इंतजार। बहुत बुरी आदत है ये। मुझ में तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं, गुजारा कर लोगी मेरे साथ? अच्छा, लेकिन मुझे तो आप में कोई बुरी आदत नजर नहीं आती। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था, वो थप्पड़, वो बेइज्जती? मेरी गलती थी, मैं आपको और आपके सच्चे जज्बों को पहचान नहीं पाई, उन्हें समझ नहीं सकी। मुझे माफ कर दें, I'm very sorry, please सुल्तान, अब तो माफ कर दें। माफी तुम्हें एक ही सूरत में मिल सकती है, और वो ये कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करो। तो उसके लिए तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हैदराबाद? चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, पहले आपको बीजान से बात करनी पड़ेगी ना। बीजान से? चलो अभी चल के मिल लेते हैं बीजान। अभी अभी कैसे सुल्तान, अभी मेरा होलिया नहीं है ठीक, मैं अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे होलिये को, इतनी प्यारी तो लग रही हो। लेकिन सुल्तान की? लेकिन कुछ नहीं, हम अभी जा रहे हैं बीजान से मिलने, और आज हम सारा दिन उन्हीं के साथ गुजारेंगे। चली गई कि अपने बाप और सुल्तान की इज्जत की परवाह भी नहीं की। अगर ये हकीकत सबको पता चल गई तो कयामत आ जाएगी इस घर में। नहीं नहीं, मुझे ये बात सबसे छुपानी होगी। और फिर सुल्तान भी तो उस लड़की नगीन को चाहता है, तो फिर मुझे सुल्तान की खुशी में ही खुश होना चाहिए। बेटा कुछ लो ना, तुम तो तकल्लुफ कर रही हो। अच्छा ये ट्राई करो। बेटा अपना ही घर समझो, तुम्हें इसी घर में दुल्हन बनकर आना है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सुल्तान अक्सर आपका जिक्र किया करते हैं, और मुझे खुद बहुत शौक था आपसे मिलने का। मैंने ही सुल्तान से कहा था कि तुम्हें यहाँ बुलाकर मुझसे मिलवा दे। दरअसल आना तो मुझे खुद चाहिए था तुम्हारी बहन के पास रिश्ता लेके, लेकिन डॉक्टर्स ने सफ़र करने से मना कर दिया। मैं तो 2 महीने से गांव भी नहीं जा सकी। बल्कि बेटा इस वीकेंड पे सुल्तान तुम्हारी बहन के पास हैदराबाद जाएगा। अरे हाँ, बेटा ये रखो तुम। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती। अरे बेटा ये मैंने सुल्तान की दुल्हन के लिए रखे थे। ये देखो, माशाल्लाह, जरा सा एहतियात से लो।
बंद कर लेना जी। बहुत प्यार है। जीती रहो, खुश रहो। अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। क्या सोच रही हो? यही कि मुझ जैसी आम लड़की पे किस्मत इतनी मेहरबान भी हो सकती है, ऐसे पलटा खा सकती है, सुल्तान जैसा इतना अच्छा इंसान मिल सकता है, इतनी सारी दौलत, नौकर चाकर, इतना बड़ा घर, सब कुछ। मैंने तो कभी इन सारी चीजों की ख्वाहिश भी नहीं की थी। तुम वाकई में बहुत किस्मत वाली हो। मुझे तो तुम पे रश्क आता है और डर भी लगता है कि तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अल्लाह ताला को जरूर तुम्हारी कोई बात पसंद आई होगी जिसके सिले में तुम्हें ये सब मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, उनका घर कैसा है? बहुत बड़ा, बहुत शानदार, जैसा टीवी ड्रामों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। सच में? अच्छा तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी शादी के बाद? पागल हो? हरगिज नहीं। और वो लोग रिश्ता लेके कब आ रहे हैं? इसी हफ्ते। कह रहे थे कि शादी भी इसी माह करेंगे, साथ की के साथ। वाह।